नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला में इन दोनों आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सड़कों पर घूम रही बेसहारा गोवंश से आम जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आवारा पशुओं का आतंक फसलों पर भी दिखाई दे रहा है। अपनी समस्या से निजात पाने के लिए आज एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्य उपायुक्त अम्बाला से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि फसलों पर आवारा पशुओं का आतंक बढ़ रहा है। आवारा पशु चारा चरने के लिए खेतों में घुस जाते हैं, इस वजह से फसलें खराब हो रही हैं। उनकी समस्या का हल प्रशासन जरूर करे और आवारा पशुओं से जिन भी लोगों की जान गई है, सरकार उन्हें मुआवजा भी जरूर दे। किसानों ने यह भी मांग की है कि सरकार उन्हें फसलों के लिए अच्छा बीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए भिजवाए, ताकि सभी किसान आसानी से वो बीज खरीद सके। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। किसान यूनियन शहीद भगत सिंह अम्बाला डीसी साहब के पास एक तो आवारा पशुओं का जो आतंक मचा रखा है शहरों के अंदर, सड़कों के अंदर और किसानों के खेतों के अंदर उत्पात मचाया है, उनको पकड़कर चाहे जंगलों के अंदर भेजें चाहे गौशाला के अंदर भेजें, वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि आवारा पशुओं को जल्दी से जल्दी 15 दिसंबर तक पकड़ने का काम शुरू करें। अगर आवारा पशुओं से किसी की जिंदगी आहत होती है, एक्सीडेंट के दौरान मौत होती है, तो उसका मुआवजा सरकार दे और उसके परिवार को एक नौकरी दे, हमने ये मांग रखी है। दूसरी मांग हमने रखी है, पिछले साल सूरजमुखी का बीज किसानों को डुप्लीकेट दिया गया था। हमने मुख्यमंत्री साहब के नाम डीसी साहब के माध्यम से आज लिखित में ज्ञापन दिया है कि सूरजमुखी का बीज, मक्की का बीज, उड़द का बीज और मूंग का बीज हमारे को खेती बाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर हमारी सोसाइटी के माध्यम से वितरित किया जाए, उचित दामों पर उचित क्वालिटी के बीज हमारे को मिल जाए, ताकि किसानों को अच्छी पैदावार हो और लाभित हो किसान। इन चीजों को हमने आज जी साहब को मिलकर ज्ञापन दिया है। देखो उपयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया भी, हम गायों के ऊपर भी बड़ी जल्दी गौर करेंगे और जो हमारी बीज की मांग है वो डीसी साहब कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री तक जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे, इतना आश्वासन डीसी साहब ने हमारे को दिया। आज मुख्य मांग थी हमारी जो आवारा पशु हैं, जो जिनसे जहां किसान की फसल का नुकसान हो रहा है वहां हमारी नस्लों का भी नुकसान हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया, परिवार के परिवार इन आवारा पशुओं के कारण तबाह हो जाते हैं और सरकार के कहीं भी कान के ऊपर जूं रेंग रही है और ना ही सरकार इसके ऊपर कोई कठोर कदम उठा रही है। हमने मांग की है भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की पूरी टीम आ जाइए डीसी साहब अम्बाला के पास कि न आवारा पशुओं के ऊपर अंकुश लगाया जाए, जिससे किसान की फसल की जो बर्बादी हो रही है उसका ना बचाव हो और जो बच्चे एक्सीडेंटों के कारण जो परिवार इस दुनिया से जा रहे हैं वो कहीं उनमें कमी आए और जो पशुओं के कारण संसार से जाते हैं लोग उनको, जैसे हमारे प्रधान साहब ने कहा है कि सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख तक का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए, ये उचित है। और दूसरी जो पीछे सूरजमुखी में किसानों का गलत खराब बीज आने के कारण नुकसान हो गया, वो सही बीज हम किसान को मिले ताकि अच्छी पैदावार हो। और हम ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो किसान के अदारे हैं, हम सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि वहां हमारे को बीज मुहैया कराए, क्योंकि वो किसान का अदारा है। जब किसान प्रफुल्लित होगा तो अदारे भी हमारे किसानों के प्रफुल्लित होने चाहिए और जिन्होंने गलत बीज दिया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी डीसी साहब से हमने मांग की है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।